तो में ही करते हैं, संकेत ही करते हैं कि कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। बेवकूफ। चीन का मुद्दा चल रहा है, चीन पर विपक्ष ने सरकार को घेरा हुआ है, तो विपक्ष को क्या, वैसा भी चीनियों को भी नहीं पता कि चीनी एक चाय वाला घोल के पी जाता है। चीनी लोग स्टिक से खाना खाते हैं, स्टिक से। हाँ, चीनी लोग स्टिक से खाना खाते हैं, तो हमारे भारतीय सैनिकों ने उनकी भोजन परंपरा का पूरा ख्याल रखा, लठ से खिलाया। और मुझे तो लगता है कि जमीन चीन नहीं विपक्ष तलाश रहा है। भाई साहब, सरकार और विपक्ष लड़ रहे हैं और मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ कि मैं इनकी लड़ाई देखूं कि नोरा फतेही और जैकलीन की। गृहमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में कोई एक इंच जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता, वो सही कह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में पिछले दिनों बाढ़ आई हुई थी, तो मैंने कहा कि चीन ज्यादा जिद कर रहा है तो उसे लीटर में दे दो। देखिए गलवान, उससे पहले डोकलाम, अब तवांग। बार बार यदि झड़प हो रही है, बार बार हमारे सैनिकों को कभी शहीद होना पड़ता है देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए, या जख्मी होना पड़ता है, तो सरकार की नीतियों पर कहीं ना कहीं ये प्रश्न आता है। सरकार अपने डिप्लोमेटिक चैनल को जिस तरह से यूज कर रही है, अच्छे से यूज करके, और ज़रूरत पड़े तो लाल आँख, सिर्फ लाल टी शर्ट नहीं, ये लाल जो पहने हैं ये नहीं, वो दिखाने की ज़रूरत है। मैडम भी लाल पहनी है। प्रश्न, अगर आप सैनिकों का साथ दे रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं, उस तारीफ के बाद आप लेकिन शब्द का इस्तेमाल मत करिए। ये बार बार विपक्षी लोग लेकिन कहकर, अच्छी बात कह के भी उस पर पानी फिरा देते हैं। और हमारे गृह मंत्री ने सही बात कही, और आज ये समस्या खड़ी नहीं होती अगर 650 किलोमीटर हमारे देश का चीन को गिफ्ट नहीं कर दिया होता यूपीए सरकार ने। आ गए नेहरू जी, नेहरू जी से, नेहरू जी फिर आ गए, याद आ गए। हर बार वही बातें, भाजपा के नेता भी सुने और समर्थक भी सुने। अब बहुत हो चुका आपका सम्मान नेताजी, इतना ज्यादा भी मत बांटो हमको ज्ञान नेताजी। जर्मनी, पाकिस्तान, इटली, हिंदुस्तान की बोलेंगे ही नहीं, ऐसी ऊंची ऊंची मत फेंको श्रीमान नेताजी। ऐसी ऊंची ऊंची मत फेंको श्रीमान नेताजी, अब तो बोर हो गया तुमसे हिंदुस्तान नेताजी, तो बोर हो गया तुमसे हिंदुस्तान नेताजी।